हेलो एवरीवन, माय नेम इज नमन गोयल एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 10 ऑफ क्लास 9 सर्कल्स। राइट, देखो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने कुछ एक टर्मोलॉजीज के बारे में देखा था इस सर्कल की। राइट, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। ठीक है, तो इसमें देखो दो थ्योरम पढ़नी है अपने को आज। बस क्या पढ़नी है, दो थ्योरम पढ़नी है। दो थ्योरम हमें पढ़ने के साथ साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस थ्योरम का प्रूफ तो अपन करेंगे और प्रूफ के साथ साथ हमें वो थ्योरम याद होनी चाहिए कि हाँ अच्छा ये थ्योरम थी इसमें। एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद नहीं होना चाहिए, बस थ्योरम याद होनी चाहिए कि हाँ दो कॉर्ड है सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है, ऐसे करके कुछ थ्योरम अपन पढ़ेंगे आज। राइट, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, थ्योरम वन, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल एट सेंटर, इक्वल एंगल एट सेंटर। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि इस कॉर्ड, इस थ्योरम का मतलब क्या है, फिर अपन इसको प्रूफ भी कर रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले समझ लेते हैं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल एट अ सेंटर। देखो क्या मतलब है, ये एक सर्कल है हमारे पास, अब इसकी दो इक्वल कॉर्ड है। इक्वल कॉर्ड का मतलब क्या है, दोनों का लेंथ बराबर है। कॉर्ड सेम नहीं है, सेम नहीं है, है कॉर्ड अलग अलग पर उनका दोनों का लेंथ क्या है, बराबर है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये एक कॉर्ड है हमारे पास ए बी, ठीक है, ये एक कॉर्ड हमने मान लिया पी क्यू, दोनों का लेंथ हमने क्या बोला है, बराबर है। तो हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन हमें दिया हुआ है ए बी बराबर पी क्यू, दोनों का लेंथ क्या है, बराबर है। तो हमें गिवन ये है कि ए बी का वैल्यू पी क्यू के क्या है, बराबर है। ठीक है, अच्छा ये इसका सेंटर है, तो इस कॉर्ड ने ये एंगल बनाया ए सी बी, ए बी कॉर्ड ने इसके सेंटर पे ये एंगल बनाया है ए सी बी, पी क्यू कॉर्ड ने इसके सेंटर पे ये एंगल बनाया है पी सी पी। तो हमें ये प्रूफ करना है कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल, बस सिंपल एज दैट। प्रूफ क्या करना है, पहले तो ये होता है, ये याद रखो कि अगर दो इक्वल कॉर्ड सेंटर पे एंगल बना रहे हैं तो वो दोनों एंगल बराबर होंगे। पहले तो ये हमें चीजें ध्यान में रखनी है, याद रखनी है, हमारे दिमाग में अच्छी तरह घुस जानी चाहिए। तो ये चीज आपके दिमाग में घुस चुकी होगी। राइट, अब इसको प्रूफ करते हैं, पहले लिख लेते हैं टू प्रूफ क्या है। टू प्रूफ में क्या है हमारे पास, एंगल ए सी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी सी क्यू। राइट, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो दिस क्वांटिटी वी वॉन्ट्स टू प्रूफ, और ये हमें क्या दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, तो देखो सुनो ध्यान से, इन अ ट्राइंगल प्रूफ, देखो मैंने क्या किया, दो ट्राइंगल ले लिए, एक को ले लिया इन ट्राइंगल ए सी पी एंड ट्राइंगल पी सी क्यू, ए सी बी नॉट पी बी, एंड ट्राइंगल पी सी क्यू। मैंने ये दोनों ट्राइंगल ले लिए, एक तो ये वाला ट्राइंगल ले लिया ए सी पी, ए सी बी नॉट पी, और एक ले लिया पी सी क्यू। ठीक है, अब देखो इन दोनों ट्राइंगलों को मैं क्या करने वाला हूं, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने वाला हूं। ये इसको मिटा देते हैं ना, देखो अपन कैसे इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, ध्यान से सुनना। इन दोनों ट्राइंगल में ए सी इज इक्वल टू पी सी है, रेडियस ऑफ सर्कल, दे आर रेडियस ऑफ सर्कल। अरे ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है कि नहीं, तो हम बोल सकते हैं क्या, ए सी बराबर पी सी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अच्छा सी क्यू, सी क्यू इज इक्वल टू सी बी भी होगा, अगेन रेडियस ऑफ सर्कल, तो सी बी इज इक्वल टू सी क्यू, क्या वही रीजन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अच्छा अब सुनो ध्यान से, ए बी बराबर पी क्यू गिवन, ए बी बराबर क्या होगा बेटा, पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू विच इज गिवन। राइट, तो हम क्या बोल सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल में, बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी, कौन सी कॉन्ग्रेंसी, एस एस एस, देखो दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड बराबर है, तो देयरफॉर बाय
एस 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 कंग्रेंसी ट्राइंगल ए सी पी ए सी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी सी क्यू, और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि बाय सी पी सी टी, देयर फोर बाय सी पी सी टी, देयर फोर बाय सी पी सी टी वी कैन से दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी सी क्यू, हो गया प्रूफ, बोल सकते हैं ना बाय सी पी सी टी, हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिए, तो बाय सी पी सी टी अपन क्या बोल सकते हैं कि ये एंगल इसके क्या होगा, बराबर होगा। कहानी पकड़ में आ गई क्या? तो ये चीज अपने को याद भी रखनी है कि अगर एक सर्किल की दो इक्वल कॉर्ड हैं तो वो सेंटर पे क्या बनाएंगे, सेम एंगल का सबटेंड करेंगे, ठीक है। अब अगला थ्योरम, अच्छा अगला थ्योरम क्या है, इसका कन्वर्स टाइप है, क्या है इसका कन्वर्स है, मतलब दो थ्योरम अगर सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं तो वो लेंथ में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये इसका कन्वर्स हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, लिखो इसमें स्टेटमेंट लिखो, थ्योरम सेकंड, सो इफ द एंगल, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय, सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर, एट द सेंटर आर इक्वल, आर इक्वल देन द कॉर्ड आर ऑल्सो इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। देखो इसमें क्या है, हमें एंगल बराबर दिया हुआ है, हमें लेंथ बराबर प्रूफ करना है। तो ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये एक कॉर्ड मान लिया हमने ए बी, ये एक कॉर्ड मान लिया हमने पी क्यू, ठीक है। ये इसने एंगल दे दिया, ये इसका एंगल हो गया। तो हमें गिवन क्या है यहाँ पे, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गिवन, सो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी सी क्यू, ये हमें गिवन है। एंगल ए सी पी जो होगा, ए सी बी जो होगा, सॉरी पी सी क्यू के बराबर होगा, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि ए बी बराबर पी क्यू होगा, हमें लेंथ प्रूफ करना है कि लेंथ बराबर होगा, ए बी बराबर क्या होगा, पी क्यू होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने प्रूफ करते हैं, सेम इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल पी सी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी सी, अगेन देखो वही तरीका क्या है, वही रेडियस ऑफ सर्कल, दे आर रेडियस ऑफ सर्कल, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी सी क्यू गिवन, ठीक है। और बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू सी होगा, बी सी इज इक्वल टू क्यू सी होगा। तो देखो ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी ना, बीच का एंगल बराबर है और दो साइड बराबर है, सो देयर फोर बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी ट्राइंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी सी बी, और इफ दे आर कॉन्ग्रेंट, अगर ये कॉन्ग्रेंट है, सो देयर फोर बाय सी पी सी टी वॉट वी कैन से दैट ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रेंट तो हो ही गए, तो अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो बाय सी पी सी टी वॉट वी कैन से, वी कैन से ए बी इज इक्वल टू पी क्यू होगा, ए बी बराबर क्या होगा बेटा, पी क्यू होगा, समझ में आया, ठीक है। तो आज हमने दो थ्योरम्स पढ़ी हैं, दोनों थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ढंग से समझ लें और याद रख लें इनको, है ना, प्रूव अपन ने दोनों का किया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, अगर मैं किसी सेंटर से किसी भी एक कॉर्ड पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ तो क्या क्या बातें मैं समझ सकता हूँ उस चीज से, तो वो चीज अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे, राइट। तो जब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।